तो यार भावनाओं में बह के ना कोई बात नहीं करनी चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले घर वालों से ये बात कर दी कि मैं इफ्तार बनाऊंगा हफ्ते वाले दिन। तो आज हफ्ते वाला दिन है और सारे इस बात को पकड़ के बैठ गए हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि इफ्तार बनाना कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है, दो चार डिशे बंदा बना ही लेता है। पर आपका जो भाई है ना, बड़ा ही काम चोर है। मतलब कि मैं आज तक मुझे खाना बनाना नहीं आता, चाय बनाने के सिवा मुझे कुछ नहीं आता। सियाने कहते हैं कि नाप तोल के बोलना चाहिए, जो आप बोलते हैं पहले उसको तोलो, वरना फिर आपको उसका भुगतान भुगतना पड़ता है। लेकिन सियाने को बात भी कहते हैं, अगर कोई आपको कोई काम कहे करने को तो इस तरह काम करो कि अगला दोबारा कहने के काबिल ना रहे। पर यार भाई की इज्जत की बात आ गई है, इसलिए आज हम इफ्तारी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे कि सही अच्छी वाली प्यारी वाली इफ्तारी बनाए। आज है नॉर्वे में 27वां रोजा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम है आपको एक न्यू व्लॉग में, जहां हम इफ्तारी बनाने की कोशिश करेंगे। और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हाँ, तो करना हमें ये पड़ेगा कि आज ख्वातीन को किचन से ज़रा दूर रखना पड़ेगा और मैं और अबू बकर और जुल्फी भाई इफ्तारी बनाने की कोशिश करेंगे। जुल्फी भाई अभी काम पे हैं, वो काम से आएंगे तकरीबन 4-4:30 बजे और उसके बाद हम बनाएंगे इफ्तारी। उसके लिए हमें कुछ चीज़ें भी चाहिए, उसकी हमें लिस्ट भी बनानी पड़ेगी। बहुत यार टेंशन है कि क्या क्या डिशें बनाएं। अब एक और टेंशन मुझे थोड़ी सी है कि अम्मी जो हैं वो बहुत कम चीज़ें खाती हैं, तो उनके लिए क्या बनाया जाए। वो पकौड़े वगैरह खा लेती हैं, लेकिन पकौड़े मैं बना नहीं सकता और हम बनाना नहीं चाहते। हम थोड़ी ईजी ईजी डिशेज बनाना चाहते हैं या चीज़ें बनाना चाहते हैं जो हमारे लिए बनानी भी ईजी हूँ और बाद में लोगों के लिए खानी भी ईजी हूँ। तो ये हो सकता है कि अम्मी के लिए हम बाहर से पकौड़े मंगवा। लेकिन पहले हम तैयार करेंगे एक लिस्ट जिसमें सब चीजों की तर्तीब होगी कि हम क्या क्या बनाएंगे और उन चीजों को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए जो हमने जाके स्टोर से खरीद। और जी मेरा ख्याल है कि प्लान थोड़ा बहुत तैयार हो गया है, पर अभी हम आपको नहीं दिखाएंगे। पहले मुझे ना बकर से और शायद जुल्फी भाई से भी थोड़ा डिस्कस करने की जरूरत है, फिर हम फाइनल करेंगे कि हम क्या बना रहे हैं। बकर भी सो रहा है, बकर उठेगा तो फिर हम उसके साथ प्लान करेंगे और चीज़ें भी खरीदनी है अभी जाकर स्टोर से। तो लेकिन ये कि मुझे लगता है थोड़ा बहुत हमने कुछ सोच लिया है, आपको बाद में बताते हैं। यार शाम के 5 बज रहे हैं और ये शख्स मतलब कि अबू बकर अभी तक नहीं उठा। अंदर से वीडियो की आवाज़ है, वीडियो देख रहा है। मैंने उसको मैसेज किया तो मैं आके आता हूँ, अभी तक आया नहीं है। हेलो मोहतरम जी, 3 घंटे रहेंगे इफ्तारी में, अभी हमने स्टोर पे भी जाना है, चीजें लेके आनी है। स्टोर जाने दी नहीं, मैं नहीं गया, इधर आप बैठो जरा, हम डिस्कस करना चाहते हैं। लड़कियों के सामने बात नहीं होनी चाहिए। पहले मैंने ना पीने वाला जो सोचा है वो एक तो सिंपल हो जाता है, रूह अफजा, ठीक है। दूसरा दूध सोडा है, वो भी सिंपल है। मैंगो लस्सी हम देखेंगे अगर हमें वो आम मिल गए ना, मतलब ताजे हमें नहीं चाहिए क्योंकि ताजे मीठे नहीं है इधर। लेकिन वो हमसे बनेंगे नहीं। नहीं वो बहुत ईजी है। ओ यार क्या हो गया, तेनो टेंशन नहीं लगे, मैं तो तेरे आसरे से चलता हूँ। जुल्फी भाई को मैंने कह दिया अम्मी के लिए पकौड़े ले आए क्योंकि अम्मी पकौड़े के सिवा कुछ खाते नहीं है, और मैंने कहा समोसा चाट ले आए सबके लिए, तो समोसा चाट उधर से हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये हमने बनाने हैं सैंडविच जो एंड द जूस पे जो मिलते हैं, टूना सैंडविच, टूना फिश के वो बनाएंगे हम। फ्रूट चाट बन जाएगी, ठीक है, समोसा चाट वहां से आ जाएगी। किधर से? जुल्फी भाई लेके आएंगे सारा कुछ, उन्होंने ले आना है एक चीज। उसके अलावा वो जो मैंने सुबह दिखाए थे पिज्जा स्लाइसिस, वो बहुत ईजी है बनाना, चीज रोल्स, और ये जरूरत हुई ये डिस्कस करते हैं क्योंकि मेरे पास एक और मजे का ऑप्शन है, वो मैं बाहर चल के बताता हूँ। चलो फिर स्टोर चलते हैं। पहले आयरा आराम से इधर सो रही है, अभी इधर अभी भी बर्फ मौजूद है, लेकिन ये कि रास्ते अब साफ हैं तो हम अब आराम से चल के जा सकते हैं। हल्की हल्की बारिश इस वक्त हो रही है, ये वॉकिंग डिस्टेंस पे ये हमारा स्टोर है, तो इधर से ही हम करेंगे अभी थोड़ी हल्की शॉपिंग। तो जी थोड़ी बहुत चीज़ें जो मेरे ख्याल में हमें चाहिए थी वो हमने इकट्ठी कर ली। इधर बकर साहब जरा दिखाना, तो ये चीज़ें हैं जी, आप देखते हैं इससे हम क्या बना पाते हैं। अगर कुछ रह गया हो तो बकर दोबारा चक्कर लगाएगा दुकान में, आना पड़ेगा बकर साहब। तो जी अभी हम घर के लिए जा रहे हैं और बकर को लग रहा है कि ये जो शॉपर है हमारा, ये लिफाफा ये फट जाएगा, तो अभी हमने ये देखना है कि घर पहुँचने तक ये फटता है या नहीं। और जी ऑलमोस्ट हम घर पहुँच के लिफाफा नहीं फटा, बकर का अंदाजा गलत साबित हुआ। तो अभी जी एक्शन यहाँ स्टार्ट होने लगा है और खवातीन का दाखला ममनू है जी इस वक्त यहाँ किचन में इफ्तारी तक।
अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप हमें बताएं, हम आपको दे देंगे। जब हमें हेल्प की जरूरत है हम खुद कहेंगे, तब आप आके हेल्प कर दीजिए, ठीक है? हेल्प की चाहिए नहीं चाहिए, बिल्कुल पता चाहिए। हाँ, एक बात है कि किसी चीज़ के लिए पता होता है ना कि कहाँ पड़ी है, इसलिए बस। अभी आप आयरा के लिए खाना लें, आयरा उठ गई है, तो फिर हम तैयारी शुरू करते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा है बकर साहब। सबसे पहले जी हम करेंगे फ्रूट चाट जरा तैयार करके, तो फ्रिज में रख दें बकर साहब, ठीक है? और इसके साथ साथ ही मेरे ख्याल में रूह अफजा और इस तरह की चीज़ें जो आसानी से बन जाती हैं वो पहले तैयार के अंदर रख देते हैं, क्योंकि फिर उस टाइम कोई टेंशन ना हो। अम्मी के लिए पकौड़े और बाकी सब के लिए समोसा चाट भी पहुंच चुकी है। जुल्फी भाई पहुंचा के चले गए हैं जरा घर फ्रेश होने। A few minutes later। हाँ जी, क्या आप हमें तंग करने आ गए? हमने कहा किसी खातून का किचन में दाखला ममनू है आज। काम के लिए तो आ सकते हैं ना? नहीं नहीं, काम के लिए भी नहीं आ सकते। वैसे भी मैंने कहा शॉर्ट ले लूं ना आपका। क्या बना रहे हैं? अरे बस करो बस, ठीक है, इतना काफी है, इतना काफी है। आप नहीं दिखाना चाहते आप काम कर रहे हैं? मैं दिखाना चाहता हूँ पर बाद में दिखाऊंगा क्या बना है। तो उससे पहले भी दिखा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। A few minutes later। काम तो बड़ा प्रोग्रेस में जा रहा है ना बकर, बहुत मेहनत कर रहा है। मुश्किल काम तो है नहीं जितना ये लोग कहती हैं, ये जो लड़कियां कहती हैं। नहीं है, मुश्किल तो है यार बकर, ये ना वरना कल भी उन्होंने अभी खड़ा कर देने। तो इस वक्त हम कुछ 10-12 डिशेस तैयार कर चुके हैं, बस क्या और पता नहीं हम क्या 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 बना बैठे, हमें खुद समझ नहीं आ रही कि हम क्या कर बैठे हैं। या बकर आपको प्राउड नहीं फील हो रहा अपने आप पे? कोई नहीं, छोड़ यार तुम निरा बोरिंग है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ कि पता नहीं खाना बना भी ऐसे ही कुछ खाने के काबिल बना है कि नहीं, ये ना हो कि सबको बुक कराना पड़े। लेकिन कोई बनी समोसा चाट बाहर से ले आए, इसलिए अगर ये सही ना बना हो तो समोसा चाट खा के गुजारा तो कर लेना। यहाँ देखे जी खातिन आज आराम के फरमा रही है, याशी है ना? बिल्कुल। उधर देखें जुल्फी भाई, आप हमारी टीम में थे, आप बेवफा निकले हैं, काम से आया ना तो उनकी आवाज़ भी नहीं निकली, आधे सोए हुए हैं, अम्मी भी लेटे हुए हैं, चिल कर रहे हैं। सही चिल कर रहे हैं। तो शुक्रिया जी, आप लोगों ने बहुत हमारी मदद की बातें करके, हमें बातें सुना के। बातें सुनाई नहीं है, बहुत सुनाई है हमें। सबसे ज्यादा तो अम्मी ने सुनाई है बातें, हमें पता नहीं क्या चावल चीजा चुके लाने, पता नहीं क्या करने लेने, पता नहीं क्या करने। अम्मी ने तो खानी नहीं उनमें सारी चीजें, क्योंकि उसमें चीज होएगा। वो चीज वाली नहीं खाएगी। हाय लड़कियों, इधर देखो, इधर देखो, अभी 15 मिनट है इफ्तारी में, आप लोग क्यों आके बैठ गए हो? कोई जवाब नहीं, शुक्रिया। अभी सारी सफाई वगैरह भी साथ साथ कर रहा है अबू बकर, बहुत यार मैं बकर बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। तैयारी कर लो आप शादी की, फिर मेरे तो वाह। खवातीन हजरात ये बात याद रखिएगा, बाद में बर्तन हमने नहीं धोने, ये डील का हिस्सा नहीं था। हम धो देंगे, देखा आज कितनी सारे कह रहे हैं कोई बात नहीं हम खुद धोएंगे। वाह वाह वाह। तो जो इफ्तार हमने तैयार किया वो है समोसा चाट, एक्चुअली वो हमने तैयार नहीं किया, वो बाहर से आया। ये हमने कोई पिज्जा स्लाइसिस टाइप की चीज़ तैयार की है, ये भी कुछ अजीब सी चीज़ हमने तैयार की है, ये हमने जो है जूस वाले सैंडविच तैयार करने की कोशिश की है, ये फ्रूट चाट है, अभी अभी प्याज की भजिया वाले वो पकोड़े टाइप वो आ रहे हैं, अभी आलू की टिक्की आ रही है, अभी रोल्स आ रहे हैं। यार क्या 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 हम कर बैठे हैं, मैं तो इंप्रेस है ना आप, मैं तो डट इंप्रेस, सारे डट इंप्रेस हो रहे हैं। और पीने में आपको मिलेगी मैंगो लस्सी स्पेशल हमारी रेसिपी, और साथ दूध सोडा। सही है, आपके मियाँ किधर है जी? वो लड़कों में शामिल नहीं है वो बुजुर्ग है, मैं उनको बोलना है मैंने कहा आज उठ जाए हाथ ही लगा ले जल्दी भाई, आ जाए आप लहू लगा के शहीदों में शामिल हो जाए। बात है ना, खत्म तो इन्होंने ही पढ़ना है ना। हाँ ये बात है, खत्म तो इन्होंने ही करना है सब कुछ। अब मेरे ख्याल में 5-6 मिनट रह गए हैं और तकरीबन हर चीज बिल्कुल तैयार है। अब तो भाई हम सबर नहीं कर सकते, खाना बस स्टार्ट कर दे जरा, जायके का हमें नहीं पता, बस खाना हमने खाना, खाना जैसा भी हो ना तारीफ करना प्लीज, ठीक है? आप अभी खाने से पहले ही ना कह दो। अच्छा आप भी तारीफ कर ही देना फिर, हमने कल आपकी कितनी तारीफ की है व्लॉग में। मैं तो कर रही हूं, मैं तो पहले देख देख के इंप्रेस हूं। वाह, बस ये अब रोजा खुलने वाला, मैं एक्चुअली आपको सब की रिएक्शन दिखाना चाहता हूं जब वो खाएंगे, लेकिन ये कि उस वक्त मैं खुद खाने में बिजी हूंगा, तो मैं ज्यादा मतलब रोजा खोलना ना यार भूख लगी होती है, मैं आपको सबके रिएक्शन बाद में दिखा दूंगा कि क्या कहते हैं सारे, ठीक है? वेल डन अबू बकर, आज हमने बहुत काम किया, वैसे बकर ने बहुत काम किया। हाय तेरी जेरी आज दिन के सारी है ना कुर्बान जाऊं रोजा खोल ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीन ने अभी एक लुकमा लिया है जो हमने पिज्जा स्लाइस बनाए थे, तो अभी हरियत ही है चेहरे से, ना गुवारी का इजहार नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हरियत। हां हां हरियत है, हरियत है, आराम से खाएं। मजे का है वैसे, सही बताऊं मजे का।
दिल रखने के लिए वैसे कह यहाँ ना हमारी मैंगो लस्सी की तारीफ कर रही थी, जो आप कह रही थी वो जरा कैमरे पे भी कह दें। मैंने ये बोला अलग टेस्ट और मजे का। वाह, तो जी अभी हमने जरा इफ्तारी कर ली और सारे बहुत तारीफे हमारे कह रहे हैं। यार हमें यकीन नहीं आ रहा बकर, क्या हो गया, क्यों ऐसे मुंह छुपा रहे हो शर्म से? नहीं वैसे ही कहना तारीफे हुई है। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी तारीफे कर रहे हैं, पर हम आपसे एक और सवाल करें। हाँ जी दिला भाई, पहले आप बताएं कि आपको सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी और सबसे कम अच्छी चीज कौन सी लगी, ये जरूर बताना है कि कौन सी कम अच्छी लगी है। मुझे सबसे अच्छे एक्चुअली ये सैंडविचेस लगे, जो हम जूस वाले सैंडविचेस, ये नंबर वन पे हैं। ओके, और सब कम कौन सी लगी है? मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जवाब देना है। शायद ओनियन वाली, ये जो ओनियन वाले पकौड़े भाजी टाइप जो भी, मुझे पसंद नहीं है ना प्याज। अच्छा चले जी जुल्फे भाई, आप मुझे सारा कुछ बहुत अच्छा लगे। नहीं एक बताना है, एक है और पहले मेरे वास्ते इनसे पहले पूछे उन्होंने खाया क्या है, ये जरूर पूछे। वो समोसा चाट उन्होंने खाया जो खुद लेके आए और जो हमने नहीं बनाई। नहीं मैंने ये रोल लिए और बस रोल ही लिए मैंने, वो भी आधा रोल मेरे से लिया। पिज्जा नहीं लिया, नहीं मुझे पता है मजे के नहीं है ना। हाँ जिन पे तकिया वही पत्ते हवा देने। वाह क्या बात है, आज पहली बार आपने सही बोला। चलो अच्छा आप बताओ जी जरा सही से बताना है। सैंडविच मजे के थे, जो जूस वाले सैंडविच पहले नंबर, दूसरा है पिज्जा, ये भी बेहतर है। जो कम सबसे अच्छी चीज है, ऐसे कुछ नहीं है लेकिन मैं वैसे ही बोल देती हूँ ये रोल। रोल ओके, नहीं ठीक है ठीक है। अब आप बताएं जी, अब आपकी बारी है। मैंने जितना खाया बहुत मजे का था। नहीं एक चीज सबसे बेहतरीन और एक जो कम बेहतरीन है। मैंने ये तीनों, मैंने वो नहीं खाई वो जो है ब्रेड, दूसरी ये वाला नहीं खाया, ये मजे के थे। ये इसके बाद ये फिर ये ओके, ये पिज्जा स्लाइस आपको जरा कम पसंद है। हाँ जी अम्मा जी उसी दसो फिर। मैं तो फ्रूट चाट खाती है मजे। अम्मी ने बस फ्रूट चाट ही खाई, जो हमने बनाया उसमें से अम्मी ने फ्रूट चाट ही खाई, तो मजे की थी। हाँ मजे थी, सही बनी है। तो बाकी चीजें भी आप खा सकते हैं, ट्राई तो कर सकते हैं। पर मैं खा लेता हूँ, शुगर मेरे को नहीं खाना देता। बकर आप भी बता दो कि आपको क्या अच्छा लगा सबसे। मुझे सबसे अच्छा ये लगा सैंडविच है। सबसे कम अच्छा क्या लगा? ये वाला बकर कह रहा है कि उसको ज्यादा अच्छा नहीं लगा। तो जी अभी मेरी बेगम ने मुझे ये कहा कि वो मुझे दबाएंगी भी क्योंकि मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा ना। बोला ना, हेलो जी लड़कियों, छोटी लड़कियों आपको खाना कैसा लगा? खाना कैसा लगा है? बाबा को बताओ बाबा कैसा लगा? आपने बताना है कैसा लगा? मजेदार। यस लीना आप बताओ खाना मजे का था? खाना मजे का था? या खाना मजे का था? ये क्या कह रहे हो तुम? बाबा नजर आ रहे हैं उधर से। बाबा नजर आ रहे, कौन ही नजर आ रहे? हम मछली ना रोज खाने के बाद खड़े होकर देखते हैं। आप नजर आ रहे हैं बाबा? हाँ नजर आ रहे हैं बाबा। बाबा ने जलाल है। क्या हो गया आपको? चली होगी, चली होगी, चली होगी। अब आप जरा बताएं आप इंप्रेस हुए अपने भाई से? जरा कोई इंप्रेस हुए हैं या नहीं? कुछ मतलब कुछ तो होना चाहिए था यार, इतनी मेहनत आपके भाई ने जिंदगी में नहीं की कभी खाने बनाने में। मतलब खाना तो हर मैंने कभी बनाया नहीं, लेकिन कभी मैंने किचन में इतनी मेहनत नहीं की जितनी आज की है। और मेरे ख्याल में सबको अच्छा भी लगा और हम थोड़े थक भी गए, तो आप आराम करते हैं चाय पियेंगे। मुझे नहीं पता एक्चुअली ब्लॉग कितना हुआ है, कितना लंबा या कितना छोटा होगा, लेकिन जितना भी है काफ़ी है आपके लिए आज के लिए। आपने ये करना है कि अपनी दुआओं में अपनी मोहब्बतों में हमें भी याद रखना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आप बताएं कि आपको हमारी बनाई हुई चीज़ों में से कौन सी चीज़ ज़रा इंटरेस्टिंग लगी है या आपको अच्छी लगी है, या आप अगर होते तो उसको खाना पसंद करते तो इस तरह के कुछ कमेंट्स वगैरह करें, अच्छा लगेगा, हमें भी खुशी होगी देख के। अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जीते रहें, दूसरों को भी जीने दें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।